हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन टू आवर विद्या विहार फैमिली। सो वी आर बैक अगेन विद द थर्ड एंड फाइनल लेक्चर ऑफ द डे दैट इज बेस्ड ऑन डेली करंट अफेयर्स। सो इससे पहले ऑलरेडी आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर आ चुका है, जो लोग इंटरेस्टेड है उसको जाकर देख सकते हैं। वो आपके पूरा एग्जामिनेशन बेस्ड पैटर्न पे रहता है, जिस पैटर्न में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये लेक्चर जो आज हमारा बेस्ड आने वाला है 26 अगस्त 2020 का रहने वाला है। चलिए चलते हैं। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले बता दूं कि यूएसए कोरोना केसेस के मामले में टॉप पे चल रहा है, ब्राजील सेकंड पे और इंडिया थर्ड पे। ये थोड़ी सी एक चिंता का विषय है कि 59,000 लोग ऑलरेडी डिसीज हो चुके हैं, यानी इस कोरोना की वजह से मारे जा चुके हैं। इंडिया में महाराष्ट्र टॉप पे चला है, 7 लाख इसने क्रॉस कर दिया है। तमिलनाडु भी लगभग 4 लाख की कैटेगरी को जल्दी पार करने वाला है। आंध्र प्रदेश 3.71 लाख। चलते हैं द हिंदू के फर्स्ट पेज पे। ये हमारा द हिंदू का फर्स्ट पेज। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण जी से पूछा, प्रशांत भूषण जी से, कि माफी मांगने में क्या गलती है, क्या गलत है माफी मांगने में, क्योंकि प्रशांत भूषण जी माफी मांगने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की सजा भुगतनी पड़ेगी। दूसरा, जो अटॉर्नी जनरल है वो बार बार सपोर्ट कर रहे हैं प्रशांत भूषण जी को और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि प्रशांत भूषण जी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पुलवामा अटैक को लेकर एनआईए ने फाइनली चार्जशीट को फाइल कर दिया है। और नीट और जेई का जो एग्जामिनेशन डेट था उसका पोस्टपोनमेंट को लेकर काफी स्ट्राइक देखने को मिला है। काफी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा भी रिक्वेस्ट किया गया कि इसके डेट को पोस्टपोन किया जाए। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बोला गया है कि वो इस पर विचार करेंगे। ये तो होना ही था। इकोनॉमी रुसिंग इन क्वार्टर टू में इकोनॉमी सिंक करने वाला है। सिर्फ क्वार्टर टू नहीं, मुझे तो अंदाजा है कि पूरा फाइनेंशियल ईयर का इकोनॉमी पूरी तरह से स्विंग करने वाली है। इस न्यूज को हम लोग आगे अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यही था वो न्यूज कि विराट, जो कि एक डिकमिशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसको अब डिसमेंटल किया जाएगा। चलिए इस आईएनएस विराट की पूरी हिस्ट्री को जान लेते हैं। आईएनएस विराट कैरियर का टोटल वेट है 27,800 टन, जो कि ब्रिटिश नेवी में इसने सर्व किया था। एचएमएस हम्स इसका उस टाइम का नाम था। 25 साल तक उसने ब्रिटिश नेवी में सर्व किया, फ्रॉम 1959 टू 1984। उसके बाद इसको कमीशन किया गया इंडियन नेवी में, जो कि 1987 में किया गया। थोड़ा सा रिफर्बिशमेंट के बाद कुछ कुछ चेंज करके इसको कमीशन किया गया इंडियन नेवी में, और 2017 में जाके इसको डीकमीशन कर दिया गया इंडियन नेवी के द्वारा भी। तब से ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि इसको एक म्यूजियम बनाया जाएगा या फिर इसके साथ क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा बोला गया कि अक्टूबर 2016 में ही उनके द्वारा एक प्रपोजल सबमिट किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने कि इसको एक म्यूजियम बनाया जाए, इंक्लूडिंग टूरिस्ट एंड हॉस्पिटलिटी कंपोनेंट, जिसमें एयरक्राफ्ट म्यूजियम बनाने की बात उनके द्वारा कही गई थी। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया। 2 मंथ के बाद ही से रिजेक्ट किया गया। 2018 में फिर महाराष्ट्र के कैबिनेट के द्वारा एक प्रपोजल को अप्रूव किया गया कि इसको म्यूजियम बनाया जाए और हॉस्पिटलिटी सेंटर बनाया जाए, और उन्होंने इसे बोला था पीपीपी पार्टनरशिप पे करने के लिए। इसके लिए बीड को भी ओपन किया गया था, बट कोई भी इसमें बिडिंग करने के लिए तैयार नहीं हुआ, यानी कोई भी इसको लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। फाइनली इसको श्रीराम ग्रुप को बेचा गया 38 करोड़ रुपीज में, यानी 38 करोड़ रुपीज में श्रीराम ग्रुप अब इसके ऑनर हो गए। और फाइनली अब बोला जा रहा है कि सितंबर लास्ट से जाके इसको इसका डिसमेंटल का काम स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये डिकमिशन है फिर भी इसके देखरेख में काफी पैसे खर्च हो रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, और सबसे बड़ा बात है कि नेवल डॉकयार्ड जो है काफी क्राउडेड है, वहां पे ये काफी ज्यादा स्पेस को छेक कर रखा हुआ है, इसलिए भी इसको डिसमेंटल करना काफी जरूरी हो गया है। तो ये आईएनएस विराट है। इसके पहले आईएनएस विक्रांत, जो कि इंडिया का फर्स्ट कैरियर था, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आईएनएस विक्रांत, इंडिया का फर्स्ट कैरियर जो था उसको भी स्क्रैप्ड ही कर दिया गया, इवेंचुअली स्क्रैप्ड भी कर दिया। कई स्टेट ने प्रपोजल सबमिट किया था कि उसको म्यूजियम बनाने का, बट वो भी काम नहीं किया। सेम उसी तरह हो रहा है आईएनएस विराट के साथ भी। ये एक स्कीम है, आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए कि दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता जी के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है डेंगू मलेरिया एंड चिकनगुनिया फ्री महाअभियान। ये तीनों मच्छर से फैमिली फैलने वाली बीमारी है, डेंगू मलेरिया एंड चिकनगुनिया फ्री महाअभियान। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये दिल्ली बीजेपी चीफ के द्वारा लॉन्च किया गया। और कहां के लिए लॉन्च किया गया? ये तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के लिए स्पेशली इसको लॉन्च किया गया है। तो बस यहां से आप इतना सा इंपॉर्टेंट न्यूज रख सकते हो। अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल जी।
ये काफी अच्छा न्यूज है। महाराष्ट्र का एक गांव है जिसको आप सोला जिसका नाम है सोलापुर, उस वहां के स्कूल ने यूनिक वे ऑफ टीचिंग को खोजा है। जिस बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है, जो गांव पूरी तरह से गरीब है, वहां गांव में बच्चे के माँ बाप या फिर बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है, उसको पढ़ाने का एक नया तरीका खोजा गया। और वो तरीका क्या है, तो इस स्कूल के द्वारा क्या किया गया ना, पेंटिंग करा दिया गया पूरे गांव के वॉल को, यानी जिस जिस घर में वॉल है उस घर के वॉल में वो क्लास 1 से लेकर 10 तक के टेक्स्ट बुक को, 1 to 10 से टेक्स्ट बुक को, प्रत्येक एक चैप्टर को एक एक वॉल पे पेंट करा दिया गया। अराउंड बोला गया कि 300 आउटर वॉल को पेंट कराया गया है। ऑलमोस्ट की 1 to 10 के सारे क्लास के सारे चैप्टर आ ही गए होंगे इसमें। जिस बच्चे को जो भी पढ़ना रहे वो उस घर के वॉल के सामने जाके खड़ा हो सकता है और अपना रिविजन कर सकता है या फिर पढ़ाई कर सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखते हुए। तो आप लोग सोच सकते हुए कितना थोड़ा सा क्या, काफी ज्यादा ये यूनिक इनिशिएटिव है। ऐसा इनिशिएटिव के बारे में मैंने भी कभी पहले नहीं सुना था, बट ये जो इनिशिएटिव है ये काफी अच्छा है। और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं वो भी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको बस किसी के घर के सामने जाके खड़ा होना है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है और जाके आप उसकी नॉलेज ग्रहण कर सकते हो। ये आरबीआई के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया इंडिया का ग्रोथ रेट -4.5% फॉर द ईयर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए ग्रोथ रेट को प्रोजेक्टेड किया गया है -4.5%। आरबीआई के द्वारा बोला गया कि ग्लोबल ग्रोथ रेट जो इस बार रहने वाला है -6% से लेके -7.60% तक रहने वाला है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि हेडलाइन इन्फ्लेशन भी इस बार काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, बट थोड़ा सा उम्मीद है कि सेकेंड हाफ फिस्कल के सेकेंड हाफ में यानी सेकेंड क्वार्टर में जाके ये थोड़ा सा कम हो सकता है। क्या कम हो सकता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, बट ग्रोथ रेट जो है वो हमेशा बढ़ा, इस बार माइनस में जा चुका है इंडिया का ग्रोथ रेट। कहां इसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात चल रही थी, कहां अब इसका ग्रोथ रेट खुद माइनस में जा चुका है। तो यहां से आपके लिए ये न्यूज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाके हम लोग देखेंगे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है ये टोटल इन्फ्लेशन का मेजर होता है, जो कि इंक्लूड करता है फूड एंड एनर्जी। ये दो चीज को आप ध्यान रखिएगा, फूड एंड एनर्जी को इंक्लूड किया जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन में, जबकि कोर इन्फ्लेशन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वोलेटाइल फूड एंड एनर्जी को माइनस कर दिया जाता है। यानी कि कोर इन्फ्लेशन अगर आपको निकालना रहे, कोर इन्फ्लेशन इक्वल्स टू सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माइनस वोलेटाइल फूड एंड एनर्जी। क्यों इसको माइनस किया जाता है, क्योंकि बोला जाता है फूड और एनर्जी ये दोनों का दाम जो है काफी वोलेटाइल रहता है, समय समय पर मिनट पे चेंज होते रहता है। So, इसको कोर इन्फ्लेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है, जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो एक्यूरेट पिक्चर इकोनॉमी का नहीं दे सकता, इकोनॉमी की महंगाई का एक्यूरेट पिक्चर हेडलाइन इन्फ्लेशन नहीं दे सकता, क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया गया हो उसके अनदर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चेंज हो सकता है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में कौन सा एक्यूरेट इन्फ्लेशन के बारे में बताता है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड के बारे में बताता है, महंगाई के ट्रेंड के बारे में, तो वो बताता है आपका कोर इन्फ्लेशन। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर फिर से, सॉरी हाँ, APEDA यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपिंग अथॉरिटी, इसके द्वारा MOU साइन किया गया AFC के साथ, AFC और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, इस दो के साथ MOU साइन किया गया है APEDA एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। और ये उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो अपने एक्सपर्टीज को यूज करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। AFC जो बोला जा रहा है ये फुल्ली ये न्यूज उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, यहां पर से जो आपके बैकग्राउंड पे जाके इंपॉर्टेंट है वो है नाबार्ड और एग्जिम बैंक के बारे में। ये दो बैंक के बारे में जानना जरूरी है, थोड़ा सा न्यूज आप इसमें रख सकते हो कि APEDA के द्वारा MOU साइन किया गया AFC और NCUI के साथ। क्यों MOU साइन किया गया है कि वो लोग एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट डेवलपमेंट में थोड़ा सा अपना योगदान दें, पॉलिसी बनाए, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। और काफी सारे स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरला भी अपना एक्शन प्लान ऑलरेडी फाइनलाइज कर ही चुके हैं इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इनका मेन काम है फोकस ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, प्रमोशन ऑफ आउटबाउंड शिपमेंट, बेटर प्राइस रियलाइजेशन टू फार्मर एंड सिंक्रोनाइजेशन विद पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
ये एमओयू साइन करने का मेन उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है फोकस ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, यानी कि एक्सपोर्ट का, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना, ये इसका मेन काम है, मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो। अब चलिए बैकग्राउंड में जाके देखते हैं कि नाबार्ड और एक्जिम बैंक क्या है। तो नाबार्ड है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फॉर्मेशन किया गया था 12 जुलाई 1982 को। ये एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई इंडिया में। अभी फिलहाल के चेयरमैन है इसके गोविंद रजुलू चिंताला, ये इसके हाल फिलहाल के चेयरमैन है। इसका मेन काम क्या है, ये पॉलिसी बनाएगा, प्लान करेगा, ऑपरेशन करेगा क्रेडिट के फील्ड में, बट वो सारा रिलेटेड होगा एग्रीकल्चर और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। यहाँ नाम ही दे दिया है रूरल एरिया, यानी कि गांव के डेवलपमेंट के लिए ये। तो यानी इसका जितना पॉलिसी होगा, प्लानिंग होगा या फिर क्रेडिट से रिलेटेड जो भी ये काम करेगा, पॉलिसी बनाएगा, वो सारा रिलेटेड होना चाहिए गांव से के टाइप से, यानी कि रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आप बोल सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलिसी, प्लानिंग, ऑपरेशन जो कि क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसकी देखरेख नाबार्ड करता है। चलिए अब दूसरा यहाँ पे आया था एक्जिम बैंक। तो एक्जिम बैंक है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको 1982 में ही सेटअप किया गया था नाबार्ड के साथ ही। इसका मेन काम है फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना और फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करना, ये इस बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव है। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि KVIC के द्वारा लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया गया माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, और वो किस स्कीम के थ्रू किया गया, उनका एक प्रोग्राम है फ्लेक्सिप हनी मिशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम KVIC के द्वारा चलाया जाता है। उन्होंने इस प्रोग्राम के थ्रू माइग्रेंट वर्कर के लिए, जो जो लोग अपने घर वापस आ चुके हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, उनको लोकल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा इस प्रोग्राम के तहत। तो इस प्रोग्राम के तहत क्या किया गया, KVIC के द्वारा 1,35,000 बी बॉक्स को जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड त्रिपुरा में बांटा गया है, जिसके तहत उम्मीद है कि अराउंड 13,500 पीपल को फायदा पहुंचेगा। थोड़ा सा अब जाके यहाँ देख लेते हैं। और अभी जो हाल फिलहाल में यह बांटा गया है, 700 बॉक्सेस बांटा गया है, जो कि सहारनपुर और बुलंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। ये लोग अपना घर से, आपको पता होना चाहिए कि माइग्रेंट वर्कर्स लोग अभी साउथ इंडिया या फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से अपने अपने घर वापस आ चुके हैं। सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर बिहार और यूपी के हैं। तो अभी हाल फिलहाल में 700 बी बॉक्सेस को 70 माइग्रेंट वर्कर को, जो कि सहारनपुर और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, उनको बांटा गया है। टोटल अभी तक बांटा जा चुका है 1,35,000 इस स्कीम के तहत। चलिए अब थोड़ा सा चल के देखते हैं कि ये स्कीम हमारा क्या है। तो हनी मिशन को लॉन्च किया गया था KVIC के द्वारा 2017 में, जिसका मेन काम है आदिवासी फार्मर, अनएम्प्लॉयड यूथ और वुमेन को बी कीपिंग में इन्वॉल्व करना, और साथ ही साथ इंडिया के हनी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना। तो ये पूछा जा सकता है कि ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, KVIC के द्वारा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर कि पीएम मोदी पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देंगे ये 31 अक्टूबर को, और वो कहां देंगे, स्टेचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात में। यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर मनाया जाता है एज अ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। उस दिन प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये अवार्ड देने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और ये कहां देंगे ये अवार्ड, ये देंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। और ये क्यों देंगे, ये रिकॉग्नाइज करेंगे जो सिविल सर्वेंट हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके का सर्विस को, और जो जो सिविल सर्वेंट सबसे अच्छी सर्विस डिलीवरी किए हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक ग्रीवियंस को रिड्रेस किए हैं, उन सबको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो यहां पर से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये गुजरात में है, इसके बारे में डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। ये काफी न्यूज में भी था और फ्यूचर में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाने के चांस भी हैं। तो चलिए देखते हैं ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सबसे पहले देखते हैं कि इसका काम स्टार्ट हुआ था बनने का 31 अक्टूबर 2013 को और कंप्लीट हुआ 30 अक्टूबर 2018 को, और ये ओपन कर दिया गया उसके ठीक अगले दिन 31 अक्टूबर 2018। और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये किसको डेडिकेट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। चलिए अब इसको देखते हैं, इसके डिजाइनर है राम भी सुतर जी। ये एक स्टैच्यू है जो कि इंडिया के आयरन मैन जिनको बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल,
जिनका जन्म हुआ था 1875 में और उनकी मृत्यु होगी 1950 में, जो कि फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट इंडिया के होम मिनिस्टर भी ये थे। और वो महात्मा गांधी जी के साथ नॉन वायलेंट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उनके संयोजक भी वो थे। उन्हीं की याद में इस मूर्ति को बनाया गया है भारत की यूनिटी को शो करने के लिए। और ये वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है जिसकी पूरी हाइट है 182 मीटर, जो कि अगर फीट में कैलकुलेट करो तो 597 फीट हो जाएगा। ये नर्मदा रिवर पे बसा हुआ है और ये इसका फेस घुमा हुआ है सरदार सरोवर डैम की तरह, जो कि 100 किलोमीटर वहां से अलग है, बड़ोदा से 100 किलोमीटर साउथ की डायरेक्शन में ये सरदार सरोवर डैम स्टेब्लिश है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होना चाहिए किसके याद में बनाया गया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, वो कौन थे, इसकी हाइट कितनी है, ये वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, ये सब चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक्सप्रेस ग्रीफ किया है, ग्रीफ को एक्सप्रेस किया है डिमाइस ऑफ डोम किंग ऑफ वाराणसी जगदीश चौधरी जी के मौत पे। और ये जगदीश चौधरी कौन है, इन्हें किंग ऑफ डोम बोला जाता था, डोम मतलब लोकल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं हरिजन, उसका किंग माना जाता था जगदीश चौधरी जी को, और उनकी मृत्यु हो गई है वाराणसी में, तो उस पे उसी पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ग्रीफ को एक्सप्रेस किया जाता है। चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज की ओर। यूएस रिपब्लिकन पार्टी ने फिर से नॉमिनेट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को और माइक पेनेक को एज प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। डोनाल्ड ट्रंप को एज अ प्रेसिडेंट का कैंडिडेट और माइक पेंस को वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट नियुक्त कर दिया गया। कुछ दिन पहले मैंने बताया था डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा जो बिडन को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, ये दो नियुक्त किया गया था डेमोक्रेटिक पार्टी, और अब नियुक्त किया गया है यूएस का रिपब्लिकन पार्टी। ये वहां की दो मेन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी से ही बराक ओबामा बिलोंग करते थे। तो अभी जो है ना, आप यूएस की राजनीति देखोगे पूरा टोटली इंडिया बेस्ड राजनीति है, वहां लोग जितना ज्यादा से ज्यादा इंडियन भारतीय मूल के लोगों को अपने पार्टी में शामिल करना चाहते हैं और अच्छे से अच्छे पोस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि वहां बोला जाता है कि भारतीय मूल के लोग इतने ज्यादा है ना कि वो अगर एक पक्ष की ओर झुक जाए तो उस पक्ष की सरकार बना देते हैं। और अभी तक का रिसर्च ऐसा बताता है कि भारतीय लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की महिला है उसे वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट दे दिया गया, वो मद्रास से बिलोंग करती है। और अभी जब इनको रिपब्लिकन पार्टी के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नियुक्त किया गया, एक और भारतीय मूल की महिला जो कि जिनको बोला जा रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन में, यानी कि अगर ये 2020 में हो रहा है, चार साल के बाद 2024 के इलेक्शन में उनको बताया जा रहा है कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन सकती है, उनके द्वारा काफी प्रेज किया गया डोनाल्ड ट्रंप की बात को। वो खुद बताती हैं कि मैं खुद भारतीय मूल से आती हूं और मैंने कभी यहां रेसिज्म को फेस नहीं किया है। चलिए देखते हैं क्या होता है, वो तो रिजल्ट पता चल ही जाएगा। फाइनली बांग्लादेश के द्वारा एक अच्छा सा डिसीजन लिया गया कि रोहिंग्या मुस्लिम जो कि वासनचार आइलैंड पे रह रहे थे अभी तक, सॉरी कॉक्स बाजार में रह रहे थे, उनको अब मूव किया जाएगा वासनचार आइलैंड पे, क्योंकि कॉक्स बाजार का स्थिति काफी खराब है, वहां पे काफी कम जगह और काफी ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम रह रहे थे, अब उनको वासनचार आइलैंड पे भेजा जाएगा। वहां ऑलरेडी 306 रोहिंग्या रिफ्यूजी को ऑलरेडी सेटल किया गया है। साथ ही साथ ये भी बोला गया है फॉरेन सेक्रेटरी जी के द्वारा कि 3G 4G कनेक्टिविटी भी लागू की जाएगी कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे। और रोहिंग्या मुस्लिम कहाँ पे हैं, ये रेखाइन स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये रेखाइन स्टेट से बिलोंग करते हैं जो कि म्यांमार कंट्री से आते हैं। ये मुस्लिम कम्युनिटी है और वहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी के बीच झड़प हुआ था, इनको वहां से मार के भगा दिया गया। प्रेग्नेंट लेडी, बच्चे, बूढ़े सब लोग नदी को पार करके बांग्लादेश में कुछ आए, कुछ बोला जाता है 6 लाख के आसपास बांग्लादेश में, और लगभग 40,000 इंडिया भी आए। इंडिया से सबको बाहर जाने का प्रोसेस भी स्टार्ट किया गया था और बांग्लादेश के द्वारा, लेकिन इन सबको एक्सेप्ट किया गया, सबको रखा गया कॉक्स बाजार में, सब लोगों को रखा गया। अब हाल फिलहाल में अब ऐसा न्यूज आपको अभी मैं बता रहा हूँ कि वासनचार आइलैंड में अब सबको मूव किया जाएगा, जहां की कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, वहां पे नेट कनेक्टिविटी भी अब उन लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हनी मिशन के तहत 700 बी बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यूपी में, और ये किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। ये भी न्यूज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एनएस विराट के बारे में, कि इसने एचएनएस हब्स में 1959 से 1984 तक काम किया था, उसके बाद ये इंडियन नेवी में आया था 1987 के आसपास। ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स है भारत का।
तो आई होप कि गाइस कि आपको आज का लेक्चर पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे, आपके मित्रगण हो जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे फैमिली तक जुड़ सके और वो लोग भी फायदा उठा सके। चलिए गाइस फिर मिलते हैं आप कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।